इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में एक तरह से फिरका परस्त तंजीमों ने अपना कहर नाजिल किया हुआ है। हर जगह पर किसी न किसी मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, उन पर सवालात किए जाते हैं। अब दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि इन्हें एक तरह की खुली छूट मिलती दिखाई दे रही है। अवाम सवाल पूछती है, अवाम का कहना है कि क्या इनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। लिहाजा हाल ही में बेलगाम ज़िला के उगार गाँव में प्रमोद मुतालिक यानी कि राम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए। लिहाजा इसी के मद्देनज़र टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के कुछ कारकुनान यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने डीसी से मुतालबा पेश किया और कहा कि मुतालिक को तड़ीपार किया जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और जितने भी फिरका परस्त तंजीमें आजकल सरगर्म होकर सिर्फ मुस्लिम समाज के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, इन पर फौरी तौर पर कार्रवाई करें और शहर और मुल्क में अमन अमान को कायम रखें। लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के जिम्मेदारान। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने मुतालबा किस लिए दिया, बताइए। 26 तारीख को उगार में प्रमोद मुतालिक नाम वाला शख्स, जो अपने आप को राम सेना का प्रमुख बताता है, जिसने प्रेस मीट में ऐसे इश्ताल अंगेज अल्फाज यूज़ किया जिसकी हमें खंडन करने के लिए टीपू डीसी ऑफिस में जमा है। उसने कहा कि एक हिंदू नौजवान के खून के बदले 10 मुसलमान नौजवानों का खून करो, मैं सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद कहता है अगर किसी एक हिंदू लड़की मुसलमान हो जाती है तो आप 10 मुसलमान लड़कियों को भगा लेकर जाओ, मैं सपोर्ट करता हूँ। आखिर मैं प्रशासन से और गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आप कर्नाटक में क्या हो रहा है, जबकि हमारा कर्नाटक जो है एक अमन पसंद रियासत कहलाता था। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शख्स जो हिंदुस्तान हमारे कर्नाटक के अमन में हमारे शांति को भंग करने की उम्मीद रखते हैं, ऐसे लोगों को कर्नाटक में या हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। चंद हिंदू नवाज तंजीमें ऐसे हैं जो तरह तरह कर अमन और सुकून से जब चल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो उनको अमन और सुकून देखा नहीं जाता। कभी बीजापुर था, बीजापुर ज़िले में पाकिस्तान का परचम लहरा कर मुसलमानों को बदनाम कर जाता है, कभी लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। ये तंजीमों का काम सिर्फ और सिर्फ दो कौमों में इंतशार पैदा करना है। ऐसे लोगों से हुकूमत जो है बचना चाहिए और हुकूमत इनसे दूर रखना चाहिए। हम यही मुतालबा करते हैं, हमें हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हालात बिगड़ने से पहले ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा लें और उनके ऊपर एक्शन लें, यही हमारा मुतालबा है। बड़ी अफसोस की बात है, ऐसे चंद हिंदुत्ववादी आतंकी अपने आप को जो हम हिंदू कट्टरपंथी हैं करके बोल के जो दिखाना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक मुसलमान कौमी मिलेंगी क्या? और मुसलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनको जो है हाईलाइट होने का है। अगर तुम्हारे को अगर आपको अगर साबित करने का है, आज बेचारे किसान लोग जो है अपने हालत से परेशान है, उनको जाकर सपोर्ट करो और उनकी जगह मदद करो, जो अन्न खाते हैं उनको सपोर्ट करो। ये हिंदू मुस्लिम लेकर जो है कि नहीं अपने आप को जो है हिंदुत्ववादी कहलाने वाले हिंदुत्ववादी आतंकी हैं ये, हम लोग ये कहेंगे और इनके खिलाफ़ में जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल का रास्ता बताना चाहिए और इनको जो है ये जो अपने आप को जो है श्री राम सेना का जो मैं मुखिया हूँ बता रहे प्रमोद मुतालिक जिनका नाम है, उनको जो है तो यह बेलगाम से जो है तड़ी पार करना चाहिए। ये जो है अब ये बेलगाम जो है एक अमन पसंद सिटी है और यह जो है एक स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, इसमें जो है ऐसे गंदे हरकत करके जो है ये जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है ये बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहेंगे और मैं खास करके एक पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे संविधान जो है मुझे पूछने का अधिकार दिया है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऐसे लोगों को आप छोड़ रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को बकश रहे हैं, क्यों इनके पीछे जो है बीजेपी गवर्नमेंट सपोर्ट है बोल के इनको छोड़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आप हम आप पर भरोसा करते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा करते हैं,
हम हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर पर हम भरोसा करते हैं, इसके लिए हम आपके ज़रिए से जो है उनको सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको जो है जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करके इनको कड़ी से कड़ी इनके पर कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारे टीपू सुल्तान संघर्ष समिति की तरफ से जो है ये हमारी आपसे गुजारिश है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके आगे जो है कि ना एक्शन हमारे टीपू सुल्तान संघर्ष समिति रोड पर उतर कर जो है स्ट्राइक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के कारकुनान। इनका मुतालबा है कि बेलगाम एक अमन पसंद शहर है और ये स्मार्ट सिटी के तहत तरक्याती कामों को आगे बढ़ा रहा है, लिहाजा बेलगाम एक अमन पसंद शहर के नाम से पहले से ही जाना जाता है, लिहाजा इन पर फौरी तौर पर कार्रवाई करें और प्रबंध मुतालिक को तड़ी पार करें, ऐसा इनका मुतालबा है। लिहाजा देखते हैं कि हुकूमत इस पर कितना सख्ती से कार्रवाई करती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।